डीआरडीओ ने पहले पृथ्वी 2 मिसाइल दागी, फिर उसे अपने आप ही मार गिराया। डीआरडीओ ने 24 जुलाई 2024 को कमाल का काम किया है। उड़ीसा के बालासोर स्थित अब्दुल कलाम आइलैंड से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च किया। यह टेस्ट शाम को 4:20 पर किया गया। इस टेस्ट के लिए 10 गांव के 10,581 लोगों को शिफ्ट किया गया। डीआरडीओ ने बालासोर जिले के अब्दुल कलाम आइलैंड से आज अलग तरह का मिसाइल परीक्षण किया है, जिसे देख दुनिया कांप गई है। लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 की लॉन्चिंग की गई। इसी टेस्ट के लिए बालासोर जिला प्रशासन ने 10 गांव के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था। AD-1 एक समुद्र आधारित एंडो एटमोस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह मिसाइल पाकिस्तान या चीन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों वायुमंडल के नजदीक ही नष्ट कर देगी, यानी भारत की मिलिट्री भविष्य में देश की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में नष्ट कर देगी। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट्स हैं, पहला है AD-1 और दूसरा है AD-2। दोनों ही मिसाइलें दुश्मन की IRBM मिसाइल को इंटरसेप्टर कर सकती हैं, यानी 5,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को मार गिरा सकती हैं। ये मिसाइलें अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल जैसी सुरक्षा प्रणाली है। इस मिसाइल की स्पीड 5,367 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये मिसाइलें दुश्मन की मिसाइलों को आता देकर फायर हो जाएंगी। अपनी जमीन से 1,000 से 3,000 किलोमीटर दूर ही उनसे टकराकर उन्हें नष्ट कर देंगी। इन्हें IRBM मिसाइलों को ध्वस्त करने के मकसद से बनाया गया है। आपको बता दें कि IRBM मिसाइलों की रेंज 3,000 से 5,000 किलोमीटर होती है। अगर चीन इतनी दूरी से मिसाइल डालता है तो भारतीय सेना या नौसेनाओं से रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी।